हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होगा इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ में। रॉ में इस हफ्ते रोमन रिक्स रिटर्न आ रहे हैं ड्रू मैकइंटायर के चैलेंज एक्सेप्ट करने। लेकिन सबसे बड़ी न्यूज ये सुनने में आ रही है कि मिस्टर मैकमैन चेंज करने वाले हैं बैरन कॉर्बिन वर्सेस कर्ट एंगल का मैच, और कर्ट एंगल का आखिरी मैच जॉन सीना के साथ होने वाला है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं पूरी बात। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे रेसलिंग पीडिया चैनल को और बेल आइकन को दबा के मेरी किसी भी वीडियो को मिस मत करिए। कर्ट एंगल ने पिछले हफ्ते रॉ में उनका अपोनेंट रिवील कर दिया था। कर्ट एंगल का रेसलमेनिया 35 में आखिरी मैच हो रहा है और उनके अपोनेंट है बैरन कॉर्बिन। लेकिन फैंस का बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन रहा इस मैच को लेकर। सबका कहना है कि कर्ट एंगल का आखिरी मैच इतने खराब अपोनेंट के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए अब ऐसी न्यूज सुनने में आ रही है कि मिस्टर मैकमैन कर्ट एंगल का फेयरवेल मैच किसी बड़े सुपरस्टार के साथ करवाने वाले हैं, और सबका ऐसा मानना है कि वो अपोनेंट जॉन सीना है। क्योंकि जब अनाउंस हुआ था कि कर्ट एंगल के अपोनेंट बैरन कॉर्बिन है, तो जॉन सीना ने अपने सोशल मीडिया पर बैरन कॉर्बिन की बुराई की थी। इसलिए सब अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर कर्ट एंगल का मैच चेंज होगा तो उनके अपोनेंट जॉन सीना ही रहेंगे। जॉन सीना के रेसलमेनिया 35 में अभी तक कोई भी मैच फिक्स नहीं हुआ है, और जॉन सीना ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि वो रेसलमेनिया में फाइट जरूर करेंगे। इसलिए जॉन सीना के लिए सबसे अच्छे अपोनेंट अभी कर्ट एंगल हैं। क्योंकि जब जॉन सीना ने अपना डेब्यू दिया था तो उनका पहला मैच कर्ट एंगल के साथ हुआ था। इसलिए कर्ट एंगल का आखिरी मैच 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के साथ ही होना चाहिए। दोस्तों, आप भी कमेंट्स में बताइए कि जॉन सीना वर्सेस कर्ट एंगल अब रेसलमेनिया 35 में देखना चाहोगे या नहीं। ड्रू मैकइंटायर ऐसा दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अकेले ही शील्ड के दो मेंबर को हरा दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि डीन एम्ब्रोस को लो ब्लो मारकर चीटिंग से ड्रू मैकइंटायर जीते, और सेथ रॉलिंग से ब्रॉक लेसनर के इंटरफेरेंस की वजह से ड्रू मैकइंटायर जीत पाए। और अब ड्रू मैकइंटायर ने रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया है रेसलमेनिया 35 में मैच के लिए। रोमन रेंस इस हफ्ते रॉ में आने वाले हैं ड्रू मैकइंटायर का चैलेंज एक्सेप्ट करने, और इतना श्योर रखिए कि रोमन रेंस बात करने नहीं आएंगे, उनका ब्रॉल ड्रू मैकइंटायर के साथ होगा। रोमन रेंस का भी अब तक रेसलमेनिया में मैच कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इस हफ्ते रॉ में रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर कंफर्म हो जाएगा। डीन एम्ब्रोस पिछले हफ्ते रॉ में नहीं आए, लेकिन रॉ खत्म होने के बाद वो सेथ रॉलिंस को बचाने आए थे, और इस हफ्ते भी आप डीन एम्ब्रोस, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को फिर से एक साथ देख सकते हो, क्योंकि तीनों ही रॉ में रहेंगे। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते मैं जॉन सीना की लाइव स्टोरी बना दूंगा, इसलिए आप उसे मिस मत करिएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं आपसे जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय।